नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे गुजरात सबऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा पैरामेडिकल की जो वैकेंसी निकले उसके बारे में और साथ में उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, कितनी पोस्ट है, उन सभी के बारे में। तो वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखें और इसकी जो PDF है वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल रुलानिया क्लासेस से प्राप्त कर सकते हैं फ्री में। इसका ये गुजराती के अंदर नोटिफिकेशन है और इसका हिंदी के अंदर नोटिफिकेशन आपको दिखाते हैं। तो ये देख सकते हैं इंग्लिश में इसका नोटिफिकेशन, टोटल 408 वैकेंसी है और गुजरात सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इसका फॉर्म अप्लाई होने स्टार्ट हो गए 26 जुलाई 2019 से और क्लोजिंग डेट इसकी रहेगी 24 अगस्त 2019 टिल 11:59 PM तक। और इसकी फीस की बात की जाए, साथ में एज लिमिट की बात की जाए, तो फीस इसकी जनरल और OBC कैंडिडेट्स के लिए ₹100 रहेगी। SC ST SEBC ESM जो फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स हैं उनके लिए फीस यहाँ पर शून्य है, कोई फीस नहीं लगेगी। एज लिमिट की बात की जाए तो अलग अलग विभाग के अंदर ही अलग अलग पोस्ट निकले, जिसमें एडिशनल असिस्टेंट इंजीनियर इनकी बात की जाए तो 18 से 33 साल रहने वाली है। इसके जॉब लोकेशन गुजरात रहेगी। अब बात करते हैं इनके जो फैमिली हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंदर जो वैकेंसी निकले उसके बारे में। तो सीनियर फार्मासिस्ट क्लास 3 की पोस्ट है, टोटल 20 पोस्ट हैं। इसके लिए ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए फार्मेसी के अंदर या फिर फार्मास्यूटिकल साइंस के अंदर, जो भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट है उसके द्वारा। और इसके बाद असिस्टेंट फार्मासिस्ट आयुर्वेदा क्लास 3 की 3 पोस्ट हैं, इसके लिए भी ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए इन फार्मेसी के अंदर और आयुर्वेदा के अंदर। उसके बाद जो फिजियोथेरेपिस्ट है या ट्यूटर कम फिजियोथेरेपिस्ट है क्लास 3, इसकी 13 पोस्ट हैं, इसके लिए डिग्री होनी चाहिए फिजियोथेरेपी के अंदर रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी के द्वारा। लेबोरेटरी असिस्टेंट 3 की बात की जाए तो टोटल 116 पोस्ट हैं। इसके लिए 12वीं पास होनी चाहिए साइंस स्ट्रीम से, वो रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट है या फिर बोर्ड है उसके द्वारा। सीनियर फार्मासिस्ट क्लास 3 की पेमेंट की बात की जाए, साथ में असिस्टेंट फार्मासिस्ट आयुर्वेदा की बात की जाए तो इसकी 35,000 से लेकर 112,400 यानी फिक्स पे 31,340 आपको मिलेगा। इसके अलावा जो पे भत्ते आपको मिलेंगे उसके आधा मिलाकर आपके 124,000 तक पेमेंट हो सकता है। लाइब्रेरियन क्लास 3 के लिए बात की जाए तो 5200 से 20,200 यानी ग्रेड पे 2800 रहेगा। और फिजियोथेरेपिस्ट ट्यूटर कम फिजियोथेरेपिस्ट क्लास 3 की बात की जाए तो 39,900 से लेकर 126,600 रुपये आपको मिलेंगे। फिक्स पेमेंट है वो रहेगा 38,090 रुपये। लेबोरेटरी असिस्टेंट क्लास 3 की बात की जाए तो इसके लिए 19,900 से लेकर आपको 63,200 यानी फिक्स पेमेंट आपको मिल सकती है, 19,920 से कम नहीं मिलेगी। दोस्तों ये तो थी जो गुजरात सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा जो वैकेंसी निकले उसके बारे में। इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। इसकी ऑफिशियल साइट की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतनी ही बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और भी इसी प्रकार की वीडियोस पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।